जब टीवी छोड़ बॉलीवुड में आई ये एक्ट्रेस करण जौहर की बड़ी फिल्म के लिए हो गई थी फाइनल, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा। चलिए जानते हैं पूरा किस्सा। दोस्तों, कृतिका कामरा ने टीवी शो से लेकर कई फिल्मों और वेब सीरीज में जबरदस्त एक्टिंग से फैंस को दीवाना बनाया है। साल 2009 में सीरियल कितनी मोहब्बत है से अपने करियर की शुरुआत करने वाले कृतिका आज भी फैंस के दिलों में बसी हुई है। इस शो में आरोही के किरदार में एक्ट्रेस को काफी पसंद किया गया था। एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रेम या पहेली चंद्रकांता टीवी के लिए कृतिका कामरा का आखिरी फिक्शन शो था। इसके बाद कृतिका कामरा ने फिल्मों की ओर रुख किया और 2018 में मित्रों के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि वो अपने हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत एक प्रोजेक्ट से करने वाली थी। उन्होंने पहले खुलासा किया था कि ये मीरा नायर की वैनिटी फेयर का हिंदी रीमेक होने वाली थी, जिसमें रीच विदरस्पून ने अभिनय किया था और इसमें इमरान हाशमी भी होंगे। हालांकि एक बातचीत में कृतिका ने बताया, फिल्म जिसे मेरी प्यारी बिंदु निर्माता द्वारा निर्देशित किया जाना था वो बंद क्यों हो गई। एक्ट्रेस ने कहा, अगर वो फिल्म बनी होती तो ये मेरी पहली फिल्म होती। ये पहली फिल्म थी जिसे मैंने साइन किया था। माना जा रहा था कि इसका निर्देशन अक्षय रॉय करेंगे। हमने तैयारी और रीडिंग की थी, सभी प्रोग्राम चार्टेड थे, लेकिन फिर किसी वजह से फिल्म नहीं बन पाई। कृतिका कामरा का फिल्मी डेब्यू मेरी प्यारी बिंदु डायरेक्टर करने वाली थी। सालों बाद 11/11 में करण जौहर के साथ काम करना उनकी किस्मत में था। इस बारे में आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो किस तरह से परेशान हो गई थी। वो आगे कहती हैं, वो समय था जब मैंने टीवी छोड़ दिया था और फिल्मों के लिए ऑडिशन दे रही थी। धर्मा लॉन्च पाना बहुत बड़ी बात थी और है। इस पर साइन किए गए और मुहर लगाई गई और ये फ्लोर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो मुझे काफी बुरा लगा था, बहुत दुख हुआ था। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि चीजें जिस तरह से हुई है उससे मैं खुश हूँ। फिलहाल दोस्तों, इन सब चीजों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम बॉलीवुड गॉसिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।